So we are talking about specific heat capacity, typically in case of gases, because gases के लिए दो specific heat capacity होती है. Cp, specific heat capacity at constant pressure, and Cv, specific heat capacity at constant volume. हमारे पास है, if mu is number of moles, ये जो gas है, इसके mu इतने number of moles है, तो Cp will be 1 by mu, heat supplied upon चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है. तो देखो यहां से आ जाएगा QP इक्वल टू म्यू सी पी इंटू डी टी. ये जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं इससे टेम्परेचर राइज हो रहा है बाय 1 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो वर्क होगा एक्सटर्नल वर्क. सी वी होता है 1 अपॉन म्यू नंबर ऑफ मोल्स, QV अपॉन DT, यहां से QV की वैल्यू आ जाएगी म्यू CV इंटू DT. ये किसके लिए हो रहा है? यूज फॉर टेम्परेचर राइज ओनली. अब ये CP और CV की वैल्यू है, मीन्स टेम्परेचर राइज कितना रहेगा? ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस, ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस. अगर सेम गैस है तो सेम गैस का टेम्परेचर राइज बाय 1 डिग्री सेल्सियस के लिए सेम अमाउंट ऑफ हीट लगने वाली है. ठीक है, एक्सटर्नल वर्क के लिए हम देखते हैं. तो अब हम आगे गए और हमने कहा देखो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो ऊपर से जितना फोर्स लगा रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा. ठीक है, सो ये प्रेशर है तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया. बिल्कुल सही है सर. और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? तो ये पिस्टन डीएल इतनी हाइट ऊपर गया है, So, ये आ गया एरिया इंटू डी एल स्पीड ईवी. ठीक है, बट मेरे पास है आइडियल गैस इक्वेशन. क्या कहता है आइडियल गैस इक्वेशन? पीवी इक्वल टू म्यू आर टी. पीवी इक्वल टू म्यू आर टी. फिर हमने कहा, क्या कहा हमने? हमने कहा फॉर कॉन्स्टेंट प्रेशर. कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए क्या लिखेंगे हम? पी कांस्टेंट रहेगा. पी कांस्टेंट है, सिर्फ वी चेंज होगा और इधर टी चेंज होगा. ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही है. सो देखो ये रिलेशन आ जाएगा पीडीवी इक्वल टू म्यू आर टी. ठीक है, बट पीडीवी मतलब क्या है? दिस इज एक्सटर्नल वर्क. सर इसका मतलब कैन आई राइट, इसका मतलब कैन आई राइट क्यूपी इक्वल टू टेम्परेचर राइज के लिए लगने वाली हीट. दूसरे पेज पर लिखता हूं, क्यूपी इक्वल टू टेम्परेचर राइज बाय 1 डिग्री सेल्सियस प्लस एक्सटर्नल वर्क. And QV will be temperature rise by 1 degree Celsius. So, क्या ये वाला पार्ट इसके इक्वल रहेगा? हाँ सर, 1 degree Celsius के temperature rise के लिए तो उतनी ही एनर्जी लगने वाली है. ठीक है, बिल्कुल सही है. So if that is the case, I can write QP equal to QV और external work W external. अब QP की वैल्यू हमने लिखी है म्यू CP into DT, QV की वैल्यू लिखी है म्यू CV into DT, और external work अभी निकाला कितना आया है? म्यू R DT dividing by म्यू and म्यू DT. क्या आ जाएगा? CP इक्वल टू CV प्लस R, दैट इज CP माइनस CV इक्वल टू R. क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है. ठीक है, अब हमें देखना है व्हाट इज कैलोरीमेट्री.
देखो कैलोरीमेट्री क्या होता है, कैलोरीमेट्री डिवाइस इन विच हीट मेजरमेंट कैन बी डन इज कॉल्ड एज कैलोरीमीटर। एंड स्टडी ऑफ हीट यूजिंग कैलोरीमीटर इज कॉल्ड एज कैलोरीमेट्री। ठीक है, ठीक है। अब देखो इस कैलोरीमीटर की एक खासियत है दैट इट इज अ आइसोलेटेड सिस्टम। What do you mean by isolated system? So, देखते हैं। A system is said to be isolated with no exchange or transfer. Or a transfer of heat occurs between the system and the surrounding. अब शायद से कुछ लोगों को क्वेश्चन आ सकता है, सर व्हाट दिस सिस्टम मींस। तो हम सिस्टम मतलब यहां पर कह रहे हैं द मैटर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अंडर कंसिडरेशन। Under consideration, the matter or amount of substance under consideration is called as calorimetry. Sorry, is called as system. The matter or amount of substance under consideration is system. मतलब जैसे इसके पहले वाले केस में हमारा गैस था, ठीक है? That gas will be our system. एक लीटर का पानी लिया तो दैट विल बी अवर सिस्टम। और इस मैटर के सिवा बाकी की जो सब चीजें हैं उसको सराउंडिंग कहते हैं। सो ऐसे हमारे गैस और सराउंडिंग के बीच में हीट इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसे सिस्टम को कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। और कैलोरीमीटर ये इस प्रकार से हमारा आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ठीक है, मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ एग्जैक्टली कैलोरीमीटर कैसे होता है, सो दैट आपको थोड़ी सी आइडिया आ जाएगी।
देखो इस प्रकार से हमारी सिस्टम रहने वाली है। दिस इज इंसुलेटिंग बॉक्स, मे बी वुडन ब्लॉक्स या थर्माकोल का हो सकता है या इस प्रकार का, ठीक है। और यहां पर ये जो कंटेनर है ना, समटाइम इट इज रेस्टेड ऑन सच काइंड ऑफ वुडन रिंग, नॉन मेटालिक रिंग, मतलब इसका ये कंप्लीटली एयर में रहेगा। एंड आपको पता है एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एयर इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो इस कंटेनर की एनर्जी ट्रांसफर नहीं होने वाली है इधर उधर। मेनी अ टाइम्स दिस इज कॉपर वेसल, इसके अंदर है ये वॉटर, दिस इज स्टरर एंड दिस इज थर्मामीटर, और इसके अंदर आप जनरली इसे यूज करोगे कोई अननोन मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिटरमाइन करने के लिए, जिसका मास एम है। सो क्या होगा ऐसे केसेस में, इनिशियली वॉटर एंड कॉपर वेसल विल बी एट सेम टेम्परेचर टी इनिशियल, बिल्कुल सही है। द सब्सटेंस whose specific heat capacity is required to measure is to be determined of known mass. Mass तो सर हम आराम से measure कर सकते हो, कोई problem नहीं है, ठीक है। Is kept in boiling water मतलब 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उसका पक्का रहा, and immersed in calorimeter, and calorimeter is closed. अब जैसे ही कैलोरीमीटर क्लोज कर दिया, नाउ इसके आगे क्या होने वाला है, देयर विल बी हीट एक्सचेंज बिटवीन hot object and colder water plus CU vessel. Calorimeter is isolated system that is no heat exchange with surrounding. अगर ऐसा हुआ तो थोड़ी देर के बाद you will observe the temperature of thermometer has increased. Temperature thermometer जो indicate कर रहा है वो बढ़ा है, क्यों बढ़ा,
तो आप कहोगे सर बिकॉज ऑफ दिस हॉट ऑब्जेक्ट द हीट इज गिवन बाय दिस हॉट ऑब्जेक्ट इज एब्सॉर्ब्ड बाय कैलोरी कॉपर वेसल एंड वॉटर एंड हेंस टेम्परेचर ऑफ वॉटर एंड कॉपर वेसल सिस्टम हैज इंक्रीज. बट ये हीट आई कहाँ से? तो ये हीट आई ये हॉटर ऑब्जेक्ट से. सही है. तो यहां पर हम फिर लिखते हैं इन सच केसेस हीट एब्सॉर्ब बाय वॉटर प्लस हीट एब्सॉर्ब बाय कॉपर वेसल. कहां से आई हीट? इज हीट रिजेक्टेड बाय या हीट गिवन बाय हॉट ऑब्जेक्ट. हीट एब्सॉर्ब ठीक है. शुरुआत का टेम्परेचर टी आई है. इसका इनिशियल टेम्परेचर 100 था. ठीक है. अब हम कहते हैं इफ टी एफ इज फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम then heat absorbed by water will be mass of water into specific heat capacity of water into change in temperature of water. Heat absorbed by copper vessel will be mass of copper vessel specific heat capacity of copper vessel into change in temperature of copper vessel. Heat given by or rejected by hot object will be mass of object specific heat capacity of object into change in temperature of object. इस केस में हम लिख सकते हैं mass of water specific heat capacity of water temperature change. Tf is final temperature, Ti is initial temperature plus mass of copper vessel specific heat capacity of copper vessel. अब copper vessel का temperature वही रहेगा जो water का रहेगा. ग्लास में ठंडा पानी डाला तो ग्लास ठंडा होता है, ग्लास में गर्म पानी डाला तो ग्लास गर्म होता है. सिमिलरली विद कॉपर वेसल. तो ये रहेगा Tf माइनस Ti और ये रहेगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. इसका इनिशियल टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस माइनस फाइनल टेम्परेचर रहेगा Tf. सो यहां से आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आराम से निकाल सकते हो. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट equal to mass of water specific heat capacity of water plus mass of copper vessel into specific heat capacity of copper vessel. Tf minus Ti को common निकाल लिया divided by mass of object minus into 100 minus Tf. क्या सही है क्या? ठीक है. अगर ऐसा होगा तो हम आराम से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस ये निकाल सकते हैं. ठीक है. ये आराम से निकाल सकते हैं. ठीक है. देखो एक क्वेश्चन करते हैं और इसे समझ लेते हैं. तो क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास? स्फीयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ 0.047 केजी इज केप्ट इन बॉइलिंग वॉटर इट इज देन इमीडिएटली ट्रांसफर to 0.14 K
केजी कॉपर कैलोरी मीटर। कंटेनिंग 0.20 केजी वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ वॉटर राइजेस एंड अटेन स्टेडी स्टेट। ओके, अब इसका मतलब क्या? फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। स्टेडी स्टेट मतलब समथिंग विच डज नॉट चेंज विद टाइम, मतलब ये टेम्परेचर समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया। क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 0.047 केजी। इनिशियल टेम्परेचर कितना था सिस्टम का? 20 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर कितना है? 23 डिग्री सेल्सियस। और एल्यूमिनियम का टेम्परेचर था शुरुआत में 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? मास ऑफ वाटर कितना है? मास ऑफ वाटर है, कहा गया मास ऑफ वाटर 0.20 की। मास ऑफ एल्यूमिनियम है, सॉरी, मास ऑफ कैलोरीमीटर कॉपर का है 0.14। और आपको दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज दी है, कौन कौन सी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 4.18 इंटू 10^3 जूल्स पर केजी केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 0.386 इंटू 10^3 जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया। अब वही रिलेशन हमारा लिख सकते हैं, हीट एब्सॉर्ब बाय वॉटर एंड सीयू वेसल विल बी इक्वल टू हीट रिजेक्टेड बाय एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट। लिख लो, और स्पेसिफिक हीट कैप पहले रिलेशन लिख सकते हैं, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर इज टीएफ माइनस टीआई प्लस मास ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इनटू चेंज इन टेम्परेचर टीएफ माइनस टीआई इक्वल टू मास ऑफ एल्यूमिनियम इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू, डायरेक्टली लिखता हूँ, हाँ, मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। वाटर कितना है? 0.2। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.18 इंटू 10^3, ठीक है, प्लस मास ऑफ कॉपर कितना दिया है? 0.14। उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.386 इंटू 10^3। चेंज इन टेम्परेचर टीएफ माइनस टीआई 23 - 20 = 3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना दिया है? 0.047। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम 100 - 23 = 77। सही है ना? हाँ, बस
सभी वैल्यूज पता है, कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये आंसर? ये आंसर आएगा 0.911 × 10³ जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस। क्या सही में आता है क्या? देखो बरा अप्रोक्सीमेट आंसर इतना। देखो ये 10³ कॉमन निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये 0.4 × 0.14 ये आ जाएगा 0.056। 0.2 × 4.18 ये लगभग आ जाएगा 0.8, ठीक है, × 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.047 × 77। अब ये देखो ये कितना आने वाला है, 0.856। 3 place decimal इधर चला गया तो 856/47 × 3/77। सो देखो 325 जा लगभग लगभग, और ये देखो ये आ जाएगा 25 × 3 = 75 100 लगभग 4 = 34/47 × 10³ उसी रेंज में आंसर आएगा, ठीक है। बहुत अप्रोक्सीमेशन किए तो, बहुत अप्रोक्सीमेशन किए तो इस रेंज में आंसर आएगा, ठीक है। चलो क्या आया है क्या ध्यान में, कैलोरीमीटर का क्वेश्चन कैसे करना? पक्का? यस सर। ओके, अब देखो और एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, सिर्फ एक गड़बड़ किया, ये 0.25 है इसलिए हमारे आंसर में डिफरेंस आ रहा था। 0.8 के जगह 1 हो जाएगा ये वैल्यू, ठीक है, बस बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। आंसर डिफरेंस इसीलिए आया था, ये दिस इज 0.25 आ रहा है, 34/47 के जगह ये ज्यादा आएगा, ठीक है। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ना ये कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, विच इज वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। जैसे हमारे केस में Ti इनिशियल टेम्परेचर था एंड Tf ये फाइनल टेम्परेचर था वाटर का, सो आई कैन से हीट एब्सॉर्ब बाय कैलोरीमीटर विल बी मास ऑफ कैलोरीमीटर इंटू स्पेसिफिक हीट कैलोरीमीटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर एंड हीट एब्सॉर्ब बाय वॉटर विल बी मास ऑफ वॉटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वॉटर इंटू डेल्टा टी। अब देखो डेल्टा टी इज सेम फॉर वॉटर
एंड कैलोरी मीटर इन ऑल केसेस. सही है. सो फिर आपको क्या कहते हैं कि देखो ये कैलोरी मीटर इतनी हीट एब्सॉर्ब करता है ना. सो कैलोरी मीटर ने जितनी हीट एब्सॉर्ब की उतने में कितने वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा. ठीक है. कैलोरी मीटर ने जितनी हीट एब्सॉर्ब की उतने में कितने वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा इज वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरी मीटर. दैट इज the amount of water which will have same temperature rise as that of calorimeter from heat absorbed by calorimeter is called as water equivalent of calorimeter. फिर से देखो क्या कहा. The amount of water, इतनी amount का water which will have same temperature rise as that of calorimeter. मतलब ऐसा वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर, अभी से मैं एम डब्ल्यू डैश कहता हूं, विच विल हैव सेम टेम्परेचर राइज. कहां से? तो जो हीट एब्सॉर्ब बाय कैलोरी मीटर है उसके थ्रू. सो ये हीट एब्सॉर्ब विल बी मास ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी. So, ये एम डब्ल्यू डैश को कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरी मीटर. सर इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ऐसा है, हीट एब्सॉर्ब बाय वाटर प्लस हीट एब्सॉर्ब बाय कैलोरी मीटर इक्वल टू मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी प्लस मास ऑफ कैलोरी मीटर इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरी मीटर इंटू डेल्टा टी. बट इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं. ठीक है, ये रहेगा मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी प्लस एम डब्ल्यू डैश वॉटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरी मीटर इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वॉटर इंटू डेल्टा टी. सो देखो ये हमारा रिलेशन कितना सिंपल हो जाएगा. मास ऑफ वॉटर प्लस वॉटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरी मीटर इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वॉटर इंटू डेल्टा टी. सो ये अननेसेसरीली दो डिफरेंट वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं रहेगी. सिंपली इन मासेस को ऐड करूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर को यूज करूं और डेल्टा टी, एंड दैट्स व्हाई वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरी मीटर इज यूजफुल फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन. और शायद से आप लिख सकते हो ये कैसे निकालना. तो देखो डेल्टा टी वही है, मास ऑफ कैलोरी मीटर इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरी मीटर. मास ऑफ कैलोरी मीटर इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरी मीटर इक्वल टू वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरी मीटर
into specific heat capacity of water. आया क्या ध्यान में? इससे हमारे कैलकुलेशन आसान होते हैं.